हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फ्रेंड कि वो हमारे फ्रेंड हैं, जैसे लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं क्रॉप को, क्रॉप्स की रूट्स में पाए जाते हैं और सोयल में होते हैं, वो हमारी क्रॉप्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, उनको न्यूट्रिएंट्स देने में। बट स्मॉल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फो यानी एनिमी हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारा नुकसान करते हैं। जैसे इस टाइम स्टूडेंट्स, जो कोरोना वायरस है, कोरोना एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता। सो स्टूडेंट्स, इस बारे में डिटेल में आज स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर दे आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस while we normally cannot see, these are called microorganisms or microbes। कि हमें अपने आसपास बहुत से प्लांट एनिमल तो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं जो इतने स्मॉल हैं कि वो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, उन्हीं ऑर्गेनाइजम्स को microorganisms या microbes कहा जाता है। For example, you might have observed that during the rainy season most bread gets spoiled and its surface gets covered with greasy white patches। जब रेनी सीजन आता है तो कई बार हमारे ब्रेड पर मोस्ट यानी फफूंदी लगनी स्टार्ट हो जाती है या ग्रे कलर का सब्सटेंस पैचेज बन जाता है। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। कि अगर हम उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तब हमें ब्लैक राउंड के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं। पैराग्राफ 2.1 माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स में हम एक्टिविटी 2.1 में सीखेंगे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स दिखाई देते हैं। कलेक्ट सम मोस्ट सोयल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड एड वाटर टू इट। आफ्टर द सोयल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। बट डू यू सी कि हमने मोस्ट सोयल जो गीली सोयल थी वो ली, बीकर में डाली, उसमें थोड़ा वाटर डाला और जैसे ही सोयल पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं तब हमने उस वाटर की एक ड्रॉप को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से देखा। तो व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई देगा हमें? यस, हमें उसे वाटर ड्रॉप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। एक्टिविटी 2.2 टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पोंड। कि पोंड जिसमें काफ़ी टाइम तक वाटर इकट्ठा रहता है, उसमें से हमने कुछ ड्रॉप्स वाटर की ली। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, उसको भी माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड, क्या हमें उसमें कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मूविंग करते दिखाई देंगे? यस, हमें उसे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। दीज ऑब्जर्वेशन शोज that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. कि हम अपनी आँखों की हेल्प से उनको नहीं देख सकते, इतने स्मॉल साइज के होते हैं। Some of these such as the fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass।
कि ब्रेड पर जो फफूंदी लगती है, फंगस लगते हैं, वो भी एक तरह के स्मॉल ऑर्गेनाइजम्स हैं जिन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, लेकिन दूसरे इतने स्मॉल हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिखाई नहीं देते, उनके लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए इन ऑर्गेनाइजम का नाम माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स पड़ा है, शॉर्टकट में माइक्रोब्स कह देते हैं। माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इंटू फोर मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम आल्गे। कि फोर मेजर ग्रुप बनाए गए हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4। कि नेक्स्ट पेज पर जो फिगर दे रखे हैं उनमें हम इन कैटेगरीज को देख सकते हैं कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड आल्गे। इसके बाद है वायरसेज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनाइजम्स विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एनिमल लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेज। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेज। सो स्टूडेंट्स, जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं, उनको भी माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनाइजम रिप्रोड्यूस करते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनाइजम्स की सेल के अंदर, जो बैक्टीरिया हो सकते हैं होस्ट ऑर्गेनाइजम, यानी किसी बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकते हैं वायरस, किसी प्लांट के अंदर भी जा सकते हैं और किसी एनिमल के अंदर भी। एनिमल के अंदर ह्यूमन बींग्स भी शामिल होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर इस टाइम आप सब को पता ही है कि कोरोना नाम का एक वायरस है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जाकर बड़ी तेज़ी से फैलता है और ह्यूमन के जो लंग्स हैं उनको जाम कर देता है। तो एक तरह का फ्लू है, बुखार भी आ जाता है उससे। तो ये जो वायरस हैं ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं, हमारे दुश्मन हैं। बहुत सी डिसीज इन्हीं वायरस की वजह से फैलती है, जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये डिसीज वायरस की वजह से ही फैलती हैं। डिसीज लाइक डायनेस्ट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। कि डायनेस्ट्री और मलेरिया की जो डिसीज हैं प्रोटोजोआ की वजह से फैलती हैं, और टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं वो एक तरह की बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया की वजह से, यानी कुछ बैक्टीरिया भी हार्मफुल होते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनाइजम्स इन क्लास 6 एंड क्लास 7। कि क्लास 6 और 7 में भी हमने कुछ माइक्रोऑर्गेनाइजम्स के बारे में स्टडी किया था। सो स्टूडेंट्स, फिगर 2.1 में हम देख सकते हैं सम बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। ये माइक्रोस्कोप से लिए गए फिगर हैं, इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। फिगर 2.2 में आल्गे दिखाए गए, ये भी माइक्रोऑर्गेनाइजम्स हैं। 2.3 में प्रोटोजोआ दिखाए गए हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ हैं। फिगर 2.4 में फंगी की टाइप्स दिखाई गई हैं, जैसे फर्स्ट ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड पर लगने वाली जो फंगस है वो है। फिगर 2.5 में वायरसेस के फिगर दिखाए गए हैं, इनके नेम नहीं लिखे हुए हैं, ये वायरसेज हैं। इसके अलावा आज के टाइम जो वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, कोरोना वायरस का फिगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। तो आपको इन फिगर में से कोई एक या दो फिगर अपनी फेयर कॉपी में बढ़ाना है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 2.2 से आगे। 2.2 के वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स लाइव, पैराग्राफ 2.3 माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स एंड अस। तो आप आगे के एक दो पेज अवश्य ही रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।